नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। सबसे पहले आज बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं और उस खबर पर बात करेंगे। जब ये खबर आई थी श्रद्धा वॉकर के मर्डर केस की, जब इनकी हत्या की गई थी और जिस तरीके से इनके लिविन पार्टनर आफ्ताब ने इनकी हत्या की, फिर जघन्य तरीके से इनके शव के टुकड़े किए, पूरे देश को सकते में डाल दिया था। कई दिनों तक लगातार इस पर मीडिया चर्चा करता रहा था और अब इसमें चार्जशीट जो है वो दायर हो गई है। इस मामले जिसपे सबकी निगाह बहुत दिनों से टिकी हुई थी, पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे, मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे, उसमें क्या क्या चार्जशीट में निकल कर आया है, इस पर दिल्ली पुलिस ने आज बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी जांच की बारे में बताया। ये भी बात उठ रही थी कि कहीं लूपहोल्स में बच ना जाए ये जो हत्यारा है आफ्ताब। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं और इस पर चार्जशीट में क्या बड़ी बातें कही गई हैं उससे शुरुआत करते हैं और उनके बारे में आपको बताते हैं। श्रद्धा के पिता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि चार्जशीट में ऐसी क्या बातें कही गई हैं जिसको पुलिस ने आज बताया। पुलिस ने आफ्ताब के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी है। कुल मिला के 6000 से ज्यादा पन्नों की यह चार्जशीट है और इसमें धारा 302 और 201 के तहत इस चार्जशीट को फाइल किया गया है। 302 मर्डर की धारा है। 6629 पन्नों की चार्जशीट को पुलिस ने दाखिल किया है। घटना जो चार्जशीट है उसमें 150 से ज्यादा गवाहों की गवाही का पुलिस ने हवाला दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं 150 गवाहों को इसमें चिन्हित किया गया है। घटना वाले दिन श्रद्धा जो मोटिव है, जब पुलिस से पूछा गया कि इसका मोटिव क्या था, किस कारण से हत्या हुई, उस पर पुलिस ने कहा कि घटना वाले दिन श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने गई थी, जो बात आफ्ताब को पसंद नहीं आई, आफ्ताब को यह बात पसंद नहीं थी और इसी वजह से वो हिंसक हो गया और फिर उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। शव को काटने के लिए 5 से ज्यादा अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया। कोर्ट में 7 फरवरी को चार्जशीट दायर होने के बाद इसका कोर्ट संज्ञान लेगा। तो अब आधिकारिक तौर से आफ्ताब के खिलाफ जो पूरी कानूनी प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। क्या कहा इस पे डीसीपी ने आपको, पहले वो सुनवा। ये जो जिस दिन इंसिडेंट हुआ है उस दिन ये अपने फ्रेंड से मिलने गई थी, अपने मित्र से, तो जिसके आधार पे ये वायलेंट हुए हैं और फिर ये इंसिडेंट मर्डर का हुआ है। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए आई थिंक मोर देन 150 ओरल टेस्टिमनीज को भी रिकॉर्ड किया गया। ये डिजिटल एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस, ओरल टेस्टिमनीज, इन सभी को जो है एविडेंस रिकॉर्ड पे लेके आने के बाद आज हमने चार्जशीट इसमें दाखिल की है। 302 और 201 आईपीसी में कोर्ट में आज दाखिल कर दी गई है। मेरे सहयोगी सौरभ पूरी जब ये चार्जशीट दायर हो रही थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, क्या क्या और अहम जानकारियां इसमें आई हैं, सीधे आपको सौरभ की रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये हत्या 18 मई 2022 को हुई थी और हत्या की वजह की पहली बार आज दिल्ली पुलिस ने बात की है। पुलिस के मुताबिक हत्या की सबसे बड़ी वजह रही कि श्रद्धा वालकर अपने किसी दूसरे दोस्त से मिलने गई थी। जब वो दोस्त से मिलकर वापस घर आई तो ये बात आफ्ताब अमीन पूनावाला को नागवार गुजरी और वो हिंसक हो गया और हिंसा में उसने श्रद्धा वालकर के साथ मारपीट की और उसने गला दबा करके श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी। अब इस पूरे मामले में कोर्ट 7 फरवरी को संज्ञान लेगी चार्जशीट की। श्रद्धा हत्याकांड में आफ्ताब के खिलाफ 302 यानी हत्या और 201 की धारा के तहत ये चार्जशीट दाखिल की गई है। 7 फरवरी को कोर्ट संज्ञान लेगा और 7 फरवरी को आफ्ताब को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। आफ्ताब आज कोर्ट में उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई और आफ्ताब ने कोर्ट में कहा कि चार्जशीट की कॉपी उसके वकील को ना दी जाए, चार्जशीट की कॉपी आफ्ताब को दी जाए क्योंकि वो अपना वकील बदलना चाहता है। ये बात कोर्ट को आज आफ्ताब ने बोली है। पुलिस ने इस पूरे मामले पर नार्को टेस्ट भी किया है, लाइट डिटेक्टर टेस्ट भी किया है और जो सारे सबूत मिले हैं वो इस बात का पूरी की पूरी तरीके इस बात की तस्दीक करते हैं कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। दिल्ली में सहयोगी गौरी प्रसाद के साथ
सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो आप देख रहे थे कि किस तरीके से चार्जशीट दाखिल हुई है और इसके ऊपर, इस केस के ऊपर जिस तरीके से ये पूरी हत्या हुई, कैसे एक कार्यक्रम को देखता रहा वो व्यक्ति, उससे इंस्पायर हुआ, एक अंग्रेजी कार्यक्रम था डेक्स्टर, उसको देखकर उसने हत्या को, शव को कैसे ठिकाने लगाना है, काटना है, इसके बारे में सोचा, और उसके बाद कैसे अपने माता पिता से वो दूर रह रही थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, कैसे 5 महीने तक लोगों को झांसा देता रहा, ये खबर जो थी ये सबके, बिल्कुल लोगों सिर्फ इसी खबर पे बात कर रहे थे जब ये हत्याकांड जो था ये सामने आया। श्रद्धा के पिता हमारे साथ जुड़ेंगे, हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जुड़े रहिए हमारे साथ। श्रद्धा वॉकर के पिता विकास वॉकर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या अब उनकी न्याय की उम्मीद पक्की हो गई है। छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। चलिए, श्रद्धा वॉकर के पिता विकास वॉकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे थे कि सीधे उनको लाइव अपने साथ यहां जोड़ सके, लेकिन कुछ तकनीकी कारण से इस वक्त उनका चेहरा हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन फोन पर हमारे साथ हैं। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आज दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल दायर कर दी है उसमें बड़ी डिटेल में बताया गया है, मुकदमा जो है 302 का मुकदमा लगाया गया है, और मोटिव जो है सर इसमें कहा गया है कि श्रद्धा अपने एक दोस्त से मिलने गई थी जो आफताब आरोपी को पसंद नहीं था और इसी वजह से गुस्से में आके वो हिंसक हो गया और उसने हत्या कर दी। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, मुझे तो ये अभी कुछ नया कुछ रीजन बता रहा है, ये ऐसा कुछ था ही नहीं, उसने सीधा बोला A10 उसने हत्या की है, तो ये अभी उसकी नई चाल है मुझे लग रहा है। नहीं तो आपको लगता है कि जो दिल्ली पुलिस अभी मोटिव बता रही है कि उसने गुस्से में आके, क्योंकि वो एक मित्र से मिलने गई थी, इस वजह से हत्या कर दी, उसमें शायद कुछ और बात है, या आपको लगता है कि ये कारण नहीं है? नहीं, ये मुझे नहीं लगता ये कारण है, वो अभी नया कारण बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, उसने पहले भी ऐसा कुछ बताया नहीं था, तो इसकी नई चाल है ये। तो क्या जो दिल्ली पुलिस ने अभी चार्जशीट, क्योंकि अब इसी की बिना पर मुकदमा चलेगा, तो आपको लगता है कि क्यों ये चाल चली गई होगी दिल्ली पुलिस को की तरफ से, क्यों ऐसा कहा जाएगा कि मोटिव ये था? अभी दिल्ली पुलिस तो ये नहीं बताया कि वो उसी वजह से उसने किया है करके, दिल्ली पुलिस तो मुझे बताया कि वो उसको कुछ गुस्सा आ गया था तो उसने ऐसा किया है, ये आज मतलब आज तक उन्होंने ऐसा बताया नहीं था मुझे। इससे पहले आपकी जी, इससे पहले जब आपकी पुलिस अधिकारियों से बात होती थी सर, तो उन्होंने क्या बातें आपको बताई थी, क्या कारण बताया था इस पूरे हत्या का? नहीं, उन्होंने शुरू से ये बताया कि उसको गुस्सा, मेरे सामने भी उसने बात किया, तभी जब मैं दिल्ली में था तब उसने मेरे सामने ही बात किया था कि मुझे गुस्सा आया तब उसको मैंने मार डाला है, ये उसके दोस्त का तो अभी पता चल रहा है कि आप नया बात कर रहे हो। आपको कोई जानकारी है किस दोस्त के बारे में बात हो रही है? जी नहीं, ये तो अभी मुझे आपकी तरफ से ही पता चल रहा है कि दोस्त की वजह से हो रहा है, ये मुझे अभी दिल्ली पुलिस ने भी बताया नहीं। दिल्ली पुलिस ने अब चार्जशीट में 150 गवाह भी रखे हैं, उन्होंने साथ ही साथ बहुत सारी डिटेल्स बताई है सर, कहा है कि किस तरीके से 5 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल किया गया शव को काटने के लिए। इससे यह भी समझ में आता है कि किस तरीके से ये व्यक्ति सोच रहा था, इसकी बिल्कुल सोच जो है कैसे अपने आप को बचाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था ये। जी, वो तो उसने पूरा प्री प्लान किया हुआ है, वो वैसे से जब यहाँ से निकला तभी से उसने सब प्लानिंग की हुई थी और उसी हिसाब से उसने सब किया है, ये अंजाम दिया उसको, तो मुझे नहीं लगता उसने वो वहां जाके कुछ गुस्सा आया और उसने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये गुस्से में की गई घटना है, ये बल्कि सोची समझी साजिश है, मतलब पहले से हत्या की प्लानिंग थी? जी हाँ, ये तो उसकी पूरी सोची समझी साजिश थी, वो वसई से जब यहाँ से निकले तभी उसने सब प्लानिंग किया हुआ था, और उसमें भी ये घर वालों को भी शायद इनको पता था कि ये किया है करके, तो मुझे नहीं लगता वो कुछ अभी जो बता रहा है वो गुस्से में किया और फिर उसके दोस्त को मिलने गई थी, तो ये सब अभी नया कुछ बता रहे हैं, वो ड्रामा कर रहे हैं।
आपने कुछ दिन पहले आप मुख्यमंत्री से मिले थे, महाराष्ट्र के आप उप मुख्यमंत्री से भी मिले थे। आपने शक भी जाहिर किया था कि इसमें जो हत्या हुई है उसमें शायद कोई और कारण भी हो सकता है। आपने लव जिहाद जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। पुलिस की जो पूरी कहानी है, चार्जशीट है, उसमें इस तरह की कोई बात का जिक्र नहीं है। नहीं, वो तो बराबर है ना, उनको सिर्फ मैंने यही बताया था कि ये लव जिहाद के उस एंगल से उसको उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा था कि ये लव जिहाद की वजह से उसने कत्ल किया है करके। आपको लगता है कि जैसे आपने कहा था कि इस पे जांच होनी चाहिए लव जिहाद के एंगल पे भी, क्यों आपको ऐसा शक है कि धर्म के नाम पर या धर्म के चक्कर में ये हत्या हुई है? नहीं, उसने अगर ये यहाँ से अगर प्लानिंग की है तो वो भी हो सकता है ना। मैं क्यों ये मान लू कि वो एंगल से नहीं जांच होनी चाहिए। विकास जी, ये जो अभी जिस तरीके से अब ये केस चलेगा, चार्जशीट इसमें दायर हो गई है, 7 फरवरी को बताया जा रहा है कोर्ट में संज्ञान लिया जाएगा, क्या इस पूरी पेशी में आप होंगे कोर्ट में जब केस चलेगा? तो क्या आप यहाँ पर होंगे, देखने आएंगे किस तरह से प्रोसीडिंग्स हो रही हैं? जी हाँ, मैंने वही पूछा था कि मुझे आना है, तो वो शायद मुझे बुलाने वाले हैं, तब मैं आऊंगा दिल्ली भी। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि इसको लेकर क्या अभी आपके वकीलों से आपकी कुछ बातचीत हुई है? नहीं, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिली मुझे, क्योंकि उनको भी शायद इतना बताया नहीं गया, जो अभी चार्जशीट मिलने के बाद ही पता चलेगा। क्या आप दिल्ली पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि इससे जो आरोपी है उसको सजा तक पहुंचाया जा सकेगा? अभी जांच तो की है उन्होंने उनकी तरफ से, मुझे तो जो बताया है एविडेंसेस, तो जब उसको सजा होगी कड़ी से कड़ी, तब मैं मानूंगा कि ये सही तरीके से उन्होंने जांच की है। कर अभी मैं ये नहीं बता सकता कि उन्होंने सही किया। मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या अभी श्रद्धा जो आफ्ताब है उसके घर वालों से आपकी कोई बातचीत हुई? उन्होंने आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की? नहीं, अब तक तो नहीं। आज श्रद्धा को कैसे याद करेंगे सर? आप चार्जशीट दाखिल हुई है, आप उम्मीद है कि जल्दी ही इस केस में केस भी चलेगा और उसका फैसला भी आएगा। नहीं, अब तो मैं इसके बारे में अभी कैसे बता सकता हूँ, मैं अभी क्या बता सकता हूँ, अभी तो मुझे चार्जशीट के बारे में मुझे मालूम नहीं है, तो जब तक उसको फांसी की सजा नहीं होती तब तक तो मैं कुछ नहीं बता सकता इसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ बात करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें, जो चार्जशीट आज इस पर दायर हुई है अभी उन्होंने पूरी तरह से पढ़ी नहीं है, लेकिन उनको इस बात का जरा थोड़ा हैरानगी जरूर हो रही है कि पुलिस ने जिस तरीके से कहा है कि वो दोस्त से मिलने गई थी, उनको लगता है कि ये कोई एक नया खेल कुछ करा जा रहा है इसमें, उनको लगता है कि ये सोची समझी साजिश थी, ना कि एक हिंसा, एक मौके पर हिंसक होकर गुस्से में आके की गई हत्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज बड़ी खबर में इतना ही वक्त है हमारे पास, ये क्योंकि केस इतना ज़्यादा चर्चा में रहा कि हमें लगा कि इसकी चार्जशीट के बारे में भी बात करें और उनके पिता को भी लेकर उनसे भी समझने की कोशिश करें कि वो अब आगे की जो इस श्रद्धा के लिए इंसाफ की जो जंग है उसे कैसे देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर में बने रहिए, NDTV के साथ बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी है, कल फिर होगी मुलाकात।